मेरा ड्रामा सीरियल दागे दिल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हम टीवी का यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं उसे तलाक दे चुका। अगर उसको छोड़ना ही था ना तो बाइज्जत तरीके से उसके बाप की दहलीज तक छोड़ कर आती। इतनी तो मर्दानगी तुम में होनी चाहिए थी हाशिम। पुश्तों से चली आ रही आपकी इज्जत तो कौड़े की होकर। आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? उन्होंने दरिया में कूद के जान दे दी। वो तो इत्तेफाक से उनका बैग वहां पड़ा रह गया, तो इसलिए मैं आपको कॉल करके इत्तला दे रही हूँ। देखो मानो, तुम बहुत मासूम हो और ये दुनिया बहुत जालिम है। अपनी तारीफ नहीं कर रहे मगर खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि हम आपको मिल गए वक्त पे, वरना अगर आप किसी और के हत्थे चढ़ जाती तो न जाने क्या सलूक होता आपके साथ। खैर, आपके पेरेंट्स की तरफ ना सही, हाशिम के घर। हाशिम ने घर शिफ्ट कर लिया था। पुराना घर तो याद है मुझे, लेकिन नया घर। आप एक काम कर सकती हैं, उस इलाके में मुझे ले जाएंगी ना तो घर में खुद ढूंढ लूंगी। ओहो, अच्छा आप परेशान मत हो, हम मेहरबान से बात करते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मगर आप हाशिम के घर अब क्यों जाना चाहती हैं? उसकी अम्मी को बताऊंगी कि क्या किया है उसने मेरे साथ, और यकीनन खुश होंगी। हमेशा से चाहती थी कि हाशिम मुझे छोड़ दे, और देखिए छोड़ दिया उसने मुझे। उनको खुश करने के लिए जाना चाहती हैं आप? नहीं, उनको ये बताऊंगी कि उनकी भी बेटी है, अगर उसके साथ किसी ने ऐसा किया तो क्या करेंगी। हम है ना, परेशान मत। चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाय बात, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? परफेक्ट भाई, तुम्हारी दादी से तो बात होती रहती है मगर तुमसे नहीं हो पाती। हम दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस है, इस वजह से बात नहीं होती। आप बताइए कैसे? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन जब बार के बारे में मालूम हुआ तो बहुत अफसोस हुआ मुझे। जी मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। अच्छा तुम गए थे उनकी आदत के लिए? जी वो जाना तो था बट मुझे ऑफिस की वजह से टाइम ही नहीं मिला। बुरी बात है बेटा, तुम्हें जाना चाहिए था। मानोर की अनटाइमली डेथ की वजह से हमारा उन लोगों के साथ रिश्ता नहीं बन सका, लेकिन बहरहाल वो तुम्हारे ससुराली हैं और जब्बार मेरा दोस्त है, उस हवाले से तो तुम्हारे लिए काबिल एहतराम होना चाहिए। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे दे फोन, मैं बात करती हूँ। लो अपनी मामा से बात करो। हाँ बेटा, मैं पहली फुर्सत में जाऊंगा, डोंट वरी। अरे क्या, अभी भी तुम्हें फुर्सत का इंतजार है? सारी मसरूफियत छोड़ के जाओ फौरन, ये मेरा और तुम्हारे बाबा का हुक्म है। ओके ओके जनाब, बिल्कुल मैं जाऊंगा, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही, डोंट वरी। ओके या अल्लाह, तू जानता है मैंने ऐसा हरगिज नहीं चाहा था। मुझे गुस्सा जरूर था उस लड़की पर, उसकी वजह भी तू जानता है। गुनाहगार बनती हूं मैं, माफ करने का हौसला ना कर पाई थी।
मगर मेरे महबूब, मेरे मालिक, उस लड़की को मैंने अपने बेटे की मोहब्बत समझकर दिल से कबूल कर लिया था। तू हर चीज से वाकिफ है मेरे अल्लाह। मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने जज्बात में आकर अपने बेटे को अपने माजी के बारे में बताया। तू मुझे उस बात की सजा दे मालिक। या अल्लाह मेरे आशियों को माफ कर दे, अपने हबीब के सदके मेरे बेटे को माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल की तबीयत का पता चला था इसलिए आया। तुमने सोचा कि यहाँ से भी तुम्हें चटपटी खबरें मिल जाएंगी अपने चैनल के लिए? कैसी बातें कर रहे हो कबीर? मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी जासूसी करना और हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाना छोड़ दो तुम। मामा ने फूल देके भेजा था इसलिए मैं इस घर से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। पहले भी समझाया था और आज आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, आइंदा यहां पर नजर आए ना तो वो हाल करूंगा कि हमेशा याद रखोगे तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है। खैर ठीक है, मामा को समझा दूंगा कि अब तुम्हारी फैमिली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक तो शायद तब तक ही था जब तक मानूर जिंदा थी। अब ना मानूर है और ना ही कोई ताल्लुक। जो मर्जी कहो तुम। हाँ मेरे काम का क्या हुआ? ये तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप के चक्कर में मेरा काम खराब हो जाएगा। रिजल्ट चाहिए मुझे। अरे बात बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मामा और बाबा ने फूल भेजे थे अंकल के लिए। आनी हम पूरी फैमिली आपके गम में बराबर के शरीक। थैंक यू। मानूर हमारे बहुत प्यारे बच्चे थे, हमारा दिल का टुकड़ा, और अब जब्बार भी। वैसे अंकल जब्बार को हुआ क्या? वो पैरालाइज हो गए। अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, उनसे ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तुम बैठो ना, मैं चाय बनवा। नहीं आंटी, बिल्कुल किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मेरी भी एक मीटिंग है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अंकल को मेरी तरफ से सलाम कीजिएगा। हाफिज़। दरवाजा खोले। अम्मी, 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 भाई, भाई, क्या हुआ? भाई अम्मी ने सुबह से दरवाजा बंद करके रखा है, मैं खोल ही नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश करी। अम्मी, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। जाओ तुम चाबी लेकर आओ जल्दी। अम्मी, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले, अरे जल्दी लाओ चाबी। अम्मी, 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 अम्मी,
अम्मी अम्मी भाई क्या हुआ है अम्मी को? अम्मी अम्मी होश में आए अम्मी 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 भाई भाई क्या हुआ अम्मी को? अम्मी 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 होश में आए अम्मी अम्मी प्लीज एम्बुलेंस भेज सकते हैं? अम्मी, 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 अम्मी नहीं जा सकती अम्मी, आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अम्मी, अम्मी आप बिल्कुल सही हैं अम्मी, हम डॉक्टर को बुलाएंगे, मैं भाई को कहती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़ के, नहीं, 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 मेरी अम्मी को कुछ नहीं हुआ आप तो बहुत बहादुर बच्ची हो अल्लाह की यही रजा बेटा बस सब क्यों जा रही है नसीब हूं मैं बहुत एक गलती से मैंने आपकी उम्र भर की रियासत मिट्टी में मिला दी अपनी जन्नत भी खो दी और अपनी जिंदगी भी मैं कहीं का नहीं रहा अम्मी क्या करूं कहां जाऊं आपका इंतकाम लेने की आग में खुद झुलस कर रहेगी अम्मी मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मुझे माफ कर दें अम्मी मैं आपका भी मुजरिम हूं और महनूर का भी काश वो मुझे मिल जाए काश ये खबर झूठी हो नफरत हो गई मुझे अपने आप से मैं अब नहीं जीना चाहता अम्मी मर जाना चाहता हूं मैं आशा मैंने रेस्टोरेंट फ़ोन किया था उन्होंने ये बताया कि मानोर भाभी उसी दिन कमरा खाली कर लें उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया वो बता रहे थे कि 16 तारीख को मुख्तलिफ जगहों पर हादसे में 3 लड़के मुझे देते थे इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी मुझे क्यों यकीन नहीं आता कि वो इस दुनिया में नहीं हो बैठ मेरा दिल इस बात को यकीन ही नहीं करता मगर हकीकत तो यही है ना यार सच नहीं है वहां जो हाशिम इस तल का कीमत होगा आज अरे सब कुछ गवा दिया अपनी मनमानी करके बैठ मोहब्बत करने वाली माँ वफा करने वाली बीवी कुछ भी तो नहीं है मेरे पास खाली हाथ हो गया हूं दिल की नगरी में ये कैसे सितम हुए घर से हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए
मानूर आप को याद करके रो रहे हैं ना। बहुत जल्द हमारे साथ होंगी, उनसे गलती जरूर हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप उन्हें माफ कर देंगे। वो तो आपकी सबसे प्यारी और लाडली बेटी थी ना। चाचू प्लीज, आप मानूर आपी को कहीं से भी ढूंढ कर ले आए, उन्हें देखते ही बाबा जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस बहुत बोल लिया तुमने, भाई साहब के सामने मानूर का नाम मत लिया करो। मुझे तो लगता है कि उसकी तरफ तुम भी घर से भाग जाओगे। नहीं चाचू, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो भी यही कहती थी, बहुत मान था हमें, फखर था, एतबार था उस पर, इसीलिए तो भाई साहब के मना करने के बावजूद मैंने उसे शहर में पढ़ने की इजाजत दी, लेकिन वो कमबख्त उन सबके सरों पर मट्टी मल कर चली गई। खुदा की कसम मेरे सामने आ जाए उसका वो हश्र करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। मैंने तो कबीर को साफ साफ कह दिया है, जब तक भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं हवेली में ही रहूंगी। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी जेठ की अब तबीयत कैसी है? आ जाएंगे अस्पताल से एक दो दिन में घर। मतलब कुछ बेहतर तो हो रहे हैं ना? डॉक्टर के कहने के मुताबिक पूरी तरह पैरालाइज हो चुके हैं, कोई चांस नहीं है उनका, दम खम निकल चुका है उनका, और अगर वो ठीक होने भी लगे तो मैं उन्हें बेहतर नहीं होने दूंगी। क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, अभी तो इस ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी है। देखो अलमास, मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें अब किसी नई मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालूंगी। उन्हें घर तो आने दें, बहुत हिसाब बाकी है अभी उनका। मुझे माफ कर देना मानू, मैंने जो तुम्हारे साथ किया तुम वो हर किस डिजर्व नहीं करती थी। मैंने तुम पर जुल्म किया है, मुझे एतराफ है, लेकिन जो जुल्म तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ किया था उसके सामने ये कुछ नहीं। मैं तुम्हें माफ भी कर सकता था मानू, लेकिन 27 सालों में पाए गए मेरी माँ के आंसू का क्या होता? मानूर क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो? क्या हुआ है बताओ? साथ बहुत बुरा हुआ है फिर उस मैं अपने साथ होने वाले हालात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सब्र करो मानू, तुमने वो कहावत सुनी, हर अंधेरी रात की एक रोशन सुबह होती है। होती है, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ
तेरा ऐसा नहीं है। अच्छा तुम आंसू साफ करो अपने और यहाँ से उठो। देखो सब सो रहे हैं यहाँ पर, सब उठ जाएंगे। चलो बाहर चल के बात करते हैं। सुनो हिम्मत करो, उठो। तुम तो इतनी स्ट्रांग, उठो। चलो शाबाश शाबाश, आओ बाहर बैठते। शाबाश, इस तरह थोड़ी रोते। आओ चलो बाहर चल के बात करते हैं। आजा आओ इधर बैठो, जल्दी आओ यहाँ पे चल के। क्या कह रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है कि तुम्हारे फोर्स करने से खुद को यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगी मैं? नहीं रहना मुझे यहाँ पे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मेरी जान। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है आपने आधी रात को? सबकी नींद हराम करके रख दी है। आधी रात? सुबह के 10 बज रहे हैं, आपको ये वक्त आधी रात का लगता है? हमारे घर में दिन के 10 बज रहे हो या रात के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताएं आपका मसला क्या है? मैडम इसकी बहुत तबीयत खराब है और बहुत तेज बुखार हो रहा है इसको, प्लीज आप किसी डॉक्टर को फोन कर ले। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है इन्हें, हम जानते हैं ये कैसे ठीक होंगे। रोना चाहती हैं? रो लें, खुल के रो लें, मातम मना लें अपने गमों का, आपको पूरी इजाजत है। लेकिन एक ना एक दिन तो आपको सबर आ ही जाएगा। मैडम इसके साथ ऐसा हुआ क्या है? कुछ खास नहीं हुआ, कोई नई कहानी नहीं है, वही हुआ है जो आपके साथ और इस हॉस्टल में रहने वाली हर दूसरी लड़की के साथ हुआ है। किसी अनजान की मोहब्बत में आ जाना, फिर शादी की एक रात पहले अपने घर से भाग जाना, और फिर किसी टिश्यू पेपर की तरह उस भरोसा करने वाले के हाथों इस्तेमाल होना, और अपने घर का रास्ता भटक जाना। बस यही कहानी। ये तो बहुत बुरा हुआ है इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ, अब ये महफूज हाथों में है। हाँ कम से कम इसके सर के ऊपर छत तो है ना। लेकिन मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। घर जाना चाहती है? आपको क्या लगता है आप घर जाएंगी, आपका बाप आगे बंदूक लेके खड़ा नहीं होगा आपको गोली मारने के लिए? और कम से कम अपनी बहन और अपनी माँ पे थोड़ा तरस खा लें, क्यों मारना चाहती हैं उन्हें? माजद के साथ वैसे ये कहानी आपने मुझे खुद सुनाई थी। कहा था आपने मुझे कि मुझे मुझे आश्रम के पास लेकर जाएंगे आप? समझाओ इसे, वापसी के तमाम रास्ते इसके पर बंद हो चुके हैं, अब इसका इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए इसके बेहतर है कि ये यहीं पे अपना दिल लगाए, खाए पिए आराम करे, और जब इसका दिल इसका गम किसी के अंदर हल्का हो जाएगा तो हम इसके लिए भी कोई नौकरी की बंदोबस्त कर देंगे। वक्त बहुत बड़ा बराम है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपके जख्म ठीक होते जाएंगे। अभी आप आराम कीजिए, नींद पूरी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के हो जाए। ले जाए इन्हें। चलो अंदर चलो, बहुत वक्त हो गया, तुम्हें सोना चाहिए। चलो शाबाश। यहाँ तो मुझे आराम। कि बिस्तर कांटों की तरह चुभता है। कुछ भी हो मानूर, तुम्हें यहाँ पर अपना दिल लगाना होगा। चलो शाबाश अंदर चलो। देखो तुम बहुत गलत जगह आ गई हो मानूर, काश मैं तुम्हें बता सकती, लेकिन मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ। जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारे लिए क्या करेगी? सच की मंजिल में कोई साथ ना है खड़ा।
खुद की हूँ गवाह, रुसवाई की नदियाँ में डूबी थी मैं जब तूने दिल को संभाला, कैसे कहा और कब। दागे दिल दे गया क्यों भला, खुद से तो होगा ना खुद रे। कितना प्यार करते हो मुझसे, दुनिया में सबसे ज्यादा। और ये बात मैं कैसे मान लूं? क्या ये काफी नहीं है कि अपना सब कुछ दांव पे लगा के यहाँ तुम्हारे पास आ गई हूँ? मेरे लिए खुश नहीं रह सकती, सब भूल जाओ, समझो कि कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। सलमान, तुमने कल वाली रिपोर्ट मुकम्मल कर ली? वो तो मैंने कल ही कर ली थी। ग्रेट, एक काम करो, गाड़ियां लगवाओ, हम टाइम से निकल रहे हैं। हाँ यार, इस लड़की का क्या करना है, ये रोज कॉल करती है, बहुत परेशान है, कब बुलाऊं? अच्छा ठीक है, इसको बुला लेना, इससे मिल के देखेंगे कि इसका क्या करना है। सही है, मैंने कन्फर्म किया है ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अभी इस केस पे फोकस करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ऑलराइट, अच्छा सुनो, पुलिस को कॉल करो, कोई गड़बड़ ना हो, बहुत पावरफुल लोग हैं। ठीक ठीक है, तुम लोग चलो तैयारी करो। तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। तुम प्लीज खुश रहा करो मानवर, खुश रहा कर, माँ बाप को नुकसान पहुंचा कर कैसे खुश रहोगे? तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्या सच में आंटी मेरा पूछ रही थी? कह रही थी कि ये तुम्हारा ख्याल रखती भी है कि नहीं रखती है? ये तो नहीं कहा होगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ? नहीं। कैसे सितम हुए, घर से हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए, वादों पे जो तेरे एतबार था जो मेरा, कम ज़र्फ जमाने के कभी ना कम हुए, दर्द की ठोकरे खिला के तू खुश रहा, कैद मुझको तू करके खुद भी ना होगा रिहा। लागे दिल
मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा बाप मेहनत मजदूरी करके हम दोनों को पाल रहा था। ये मेरा बाप ही सहारा था, मेरा और मेरी छोटी बहन का। कदीर मेरा शौहर है, मेरे बाप को वहीं से मिला था। कदीर ने हमदर्दी का ड्रामा करके मेरे वालिद को मेरा रिश्ता दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी, मुझे तहफ्फुज़ मिल गया। मगर शादी के एक ही हफ्ते बाद उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। फिर? वो अपने अयाश दोस्तों को जमा किए रखता था। मैं अपने वालिद से नहीं कहती थी कुछ भी, ताकि वो दुखी ना हो। किसी तरह रो धो के गुजारा कर लेती थी। तो कानून की मदद ले लेती हैं आप, खुला ले लेती हैं अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा था। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन कराई आपने? वो सारे दो नंबर काम करता है, उसके पुलिस में भी ताल्लुकात है। आपका क्या ख्याल है, वो किसी बड़े के सरपरस्ती के बगैर गैर कानूनी काम कर सकता है? यहाँ तक तो बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन अब उसकी नजर मेरी छोटी बहन पर है। मैंने छुपके सुना था वो अपने किसी अबाश दोस्त के साथ मेरी बहन का सौदा कर रहा था, और अच्छी खासी रकम ली उसने मेरी बहन की। और मुझे डर है वो कुछ ही दिनों में मेरी बहन को उस आदमी के हवाले कर देगा, और मेरा बाप कमजोर है, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। हमसे क्या चाहती हैं? आप ही मेरा मसीहा बन जाए, मुझे मेरी बेटी को और मेरी बहन को प्लीज इस शख्स से निजात दिला दे। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले हमें सबूत चाहिए होते हैं। हम ये कैसे मान लें कि आपके हस्बैंड गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थे? इस बारे में मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। एक बार मैं घर से भागने की कोशिश कर चुकी हूँ, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और इतनी बुरी तरह मारा था, मेरी हाथ की हड्डी टूट गई थी। ये फाइल में रख दो। आप चाहे तो सारी मालूमात हॉस्पिटल से ले सकते हैं और इस पे पुलिस केस बन सकता है। ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आपके पास जितने भी सबूत हैं, कोई भी एविडेंस है, हमें आप ला के दीजिए, ताकि आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो और हमें जरा डिटेल में स्टडी करने का मौका मिले। राइट, मैं चलती हूँ। थैंक यू। आप ये रखिए, मैं आपको जल्द लौटा दूंगी। नो प्रॉब्लम। देखिए क्या क्या ज्यादतियां होती हैं लोगों के साथ यार। बहुत असूल पसंद हो तुम मिस्टर इबाद, सबके हमदर्द। गुड जॉब। भाई साहब का कमरा सेट करवा दिया था? मैंने कल खुद अपनी निगरानी में सेट करवाया था। गुड। उनका खाना जो है ना, अब जरा एहतियात वाला बनेगा, ख्याल रखना। आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं, उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। खाने का मेन्यू मैं खुद डिसाइड करूंगी और उनके परहेज का खास ख्याल भी रखूंगी। थैंक यू सो मच अलमास। किस लिए? For doing everything for my family. ये तो मेरा फर्ज है कबीर।
आज मुझे अपनी पसंद पर फख्र हो रहा है। जिस तरह तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरे घर वालों का ख्याल रखा है, इस घर के तमाम राज अपने सीने में दफन रखे हैं, यकीन करो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। ये घर, ये फैमिली सिर्फ आपके नहीं है, कभी मेरे भी है। ये आप मुझे पराया समझते हैं। नहीं भाई साहब ने जिस तरह तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती की थी, मुझे लगा कि शायद अभी तक तुमने वो सब कुछ भुलाया नहीं है। कभी मैं वो सब भुला चुकी हूँ, दिल से उन्हें माफ भी कर चुकी हूँ। बस अब मैं सिर्फ इस घर की बेहतरी के लिए सोचती हूँ और आप मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करें बस। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। भाई सबको देख, तुम जो समझते हो वो ठीक नहीं है कबीर। ये तो ऐसे जख्म है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती।